जा रहे हैं MJ Fun City, तो इसमें हम दिखाएंगे आपको प्राइसिंग, क्या प्राइस है, क्या पासेस है, कितने का पास है, कितने का टिकट है, फूड इंक्लूड है या नहीं है, कॉस्ट्यूम कितने का है, लॉकर कितने का है, आप कहाँ से आओगे तो किस तरीके से आओगे, सारी चीजें इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आने के लिए बेटर रहेंगे तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने वाटर पार्क और उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे टैक्सी वगैरह नहीं आती है, आप टैक्सी को बुक करके आ सकते हैं। आप यहाँ आपको अपने ही साधन से आना होगा, बाइक से, कार से, या टैक्सी से, या ओला से आ सकते हैं। सो ये है MJ Fun City का गेट और यहाँ पर देख सकते हो लगा हुआ है बोर्ड। ये कुछ इस तरीके की रोड है यहाँ पर और ये है MJ Fun City वाटर पार्क एंड रिजॉर्ट। तो अंदर चलेंगे, सामने रिजॉर्ट है और अंदर से जब जाएंगे तो वहाँ पर है वाटर पार्क। ये पार्किंग है, पार्किंग लिए हम लेंगे राइट। एक पार्किंग ये है और पार्किंग उधर है, कार पार्किंग, और यहाँ से मिलेगा टिकट काउंटर, क्योंकि ये टिकट काउंटर है और यहाँ से होगी हमारी एंट्री। तो ये मिल जाएगा आपको बैंड, ये सारे हैं लॉकर, ये देखो, और यहाँ से कॉस्ट्यूम वगैरह मिलेगा। देखो मिली है दो टाइप के कॉस्ट्यूम मुझे, बाय वन गेट वन फ्री। देखो यहाँ पे सावधान हो जाओ भाई। फाइनली हम लोग रेडी हो चुके हैं, सारे बंदे हमारे लॉकर में सामान रख चुके हैं और अभी वाटर पार्क में इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं क्योंकि सुबह का टाइम है और यहाँ भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगने वाली है भाई। और सारे ये एकदम मज़ा आएंगे ये जब चलेगा, मौसम भी काफी ज्यादा बेहतर है, सबसे मस्त पूल मुझे ये लगता है। मार, मार। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ये स्लाइड करने के लिए, इस पे दो लोग आते हैं और सबसे ज्यादा मजा आने वाला है, और मजा इसलिए आने वाला है कि यहाँ पर भीड़ नहीं है भाई, एंजॉय कर सकते हो सुकून से। सो फाइनली अभी फर्स्ट जो राइड है हमारी वो करने जा रहे हैं। मैं गिरा था यहाँ पर भाई, यहाँ पर फोन टूट गया था। फाइनली आ गए हैं ऊपर और ये काफ़ी सारी स्लाइडें हैं भाई, सारी स्लाइडें जो हैं वो यहीं से चलती हैं। पहले ये जो हैं बंद और इनके अंदर एकदम गुफा है भाई, और ये घोस्ट रोल पर से माहौल कुछ ऐसा दिखता है। ये सारी स्लाइडें हैं यहाँ की, come on
भाई यहाँ पर कॉस्ट्यूम रिटर्न होगी और जो पैसे बाकी होंगे उसके लिए यहाँ पर स्टैम्प लगा देंगे तो पैसे आगे मिल जाएंगे। फ़ोन का वाटरप्रूफ कवर यहाँ मिल जाएगा। अच्छा, फ़ोन का वाटरप्रूफ कवर भी यहाँ मिल जाएगा, कवर मिल जाएगा और ट्यूब मिल जाएंगे बच्चों के लिए ट्यूब मिल जाएंगे और बालों के लिए जो सेफ्टी के लिए होता है। अच्छा, सारी चीज़ें हैं यहाँ। जहाँ से टिकट लिए थे वहीं पर जो पैसे रिटर्न होने होंगे वो यहीं से होंगे टिकट काउंटर के पास, क्योंकि वहाँ कॉस्ट्यूम के पास जहाँ जमा करेंगे वहाँ पर स्टैम्प लगा देंगे, उसके बाद यहाँ आपको रिटर्न मिल जाएगा। बाकी बाइक पार्किंग बहुत बढ़िया है, कार पार्किंग भी है, सब कुछ है। देखिए, खुरुम नगर से अगर आ रहे हैं आप तो पिकनिक स्पॉट वाली रोड से आप डायरेक्ट सीधा आ सकते हैं, और अगर कुर्सी रोड वाली से आ रहे हैं तो आप स्कॉर्पियो क्लब से मुड़कर सीधा चले आएंगे तो MJ वाटर पार्क आपको मिल जाएगी। तो ये दो रास्ते हैं, बहुत ही आसान है और जंगल का रास्ता है। ये मत सोचना कि हम कहाँ चले जा रहे हैं, जंगल का रास्ता है कुछ इस टाइप का। ये देखो, तो उत्तराखंड आ गए, ऐसा लगेगा उत्तराखंड में आपने एंट्री कर ली। सैटरडे और संडे का पैकेज अलग रहता है, 350 का रहता है, जो कि जिसमें आपको 350 का टिकट होता है, 100 रुपए का लॉकर होता है और 100 रुपए का कॉस्ट्यूम होता है और 100 रुपए आपका सिक्योरिटी चार्ज जमा होता है। एक चीज बताएं जो कोई भी ब्लॉगर नहीं बताता है, अगर आपके पास कॉस्ट्यूम है तो खुद पहन के आ जाइए। अगर आपके पास कॉस्ट्यूम है तो आप आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ लॉकर लेना पड़ेगा, लॉकर लेना पड़ेगा, कॉस्ट्यूम का पैसा बचा है तो वो भी नहीं लेना पड़ेगा। तो इतनी ही चीजें हैं और बाकी फूड का आपको अलग से लेना पड़ेगा, बस इतना ही है यहाँ पर, ज्यादा कुछ है नहीं। बाकी अगर फैमिली के साथ आ रहे हो तो यहाँ पर सुबह जल्दी आ जाओ तो आप लोग एंजॉय कर सकते हो, इतना ज्यादा भीड़ नहीं होती है जैसे अदर वाटर पार्क में होती है। यहाँ की वेव पूल की टाइमिंग है 2 बजे और वेव पूल स्टार्ट होता है 2 बजे, तो वेव पूल के खासकर आ रहे हो वेव पूल के लिए तो आप 2 बजे आ जाओ।